मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, लेकिन ये 30 सेकंड अपना प्रोपेगेंडा के लिए नहीं, उस 12 साल की बच्ची के लिए दे रहा हूं, उस पर बोलिए। मिस्टर राकेश पांडे, क्या मैं प्रोपेगेंडा इतनी देर से कर रहा हूं? सर, प्रोपेगेंडा इसलिए कि मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला मनोज यादव जी। आपका स्वागत है। अयोध्या में नाबालिग से रेप कांड मामले में एक्शन जारी है। मुख्य आरोपी मोइन खान की बेकरी सील कर दी गई है। वही मोइन खान की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया है। इसके अलावा बेकरी के सामान का नमूना भी लिया गया। इसके अलावा परिवार को धमकाने के केस में सपा नेता और नगर पंचायत भद्रसा के चेयरमैन मोहम्मद राशि, सपा नेता जय सिंह राणा और एक अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी से पूरे देश को हिला दिया, लेकिन मामले पर अब सियासी रंग चढ़ना शुरू हो गया है। कारण, इसमें धर्म जाति की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी ने सपा पर धर्म के आधार पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाया है। इसी मुद्दे पर सपा प्रवक्ता मनोज यादव के साथ बीजेपी प्रवक्ता और गोदी एंकर के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। आप सपा समाजवादी पार्टी के एक्शन का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार के और न्यायालय के एक्शन का इंतजार? नहीं सर, तो सरकार तो एक्शन कर रही है ना। एक्शन ले तब आपको? नहीं मनोज यादव जी, सरकार एक्शन कर रही है, लेकिन आप पार्टी की नैतिकता कुछ बनती है कि नहीं? नहीं कि आपकी पार्टी का एक नेता जो सांसद के साथ घूम रहा है, गलबहियां कर रहा है, रुको, दो महीने से 12 साल की एक बच्ची का रेप कर रहा था, प्रेग्नेंट हो गई, और आपके पार्टी के अध्यक्ष उसके डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं। राकेश पांडे जी, थोड़ा धैर्य रखिए। बहुत धैर्य पांडे से न्याय नहीं हो जाएगा। बहुत धैर्य, हमको अपनी बात रखने दीजिए, इसीलिए मैं आपके चैनल पे आया हूं। हाँ तो फिर सुनिए सुनिए, फिर अब मेरा तेवर बदलेगा तो आप लोग अभी कहेंगे मनोज यादव ऐसे बोलते हैं। बदलिए सर तेवर, ऐसे आप गलत मनोज की मनोज यादव तेवर सर धमकी मत दिया करिए सर प्लीज। हाथरस की बेटी को जिंदा जला दिया, अब हाथरस पर चले जाएंगे क्या? नहीं, मैं इंतजार ही कर रहा था मनोज यादव जी कि आप हाथरस कब जाएंगे, आप उन्नाव कब जाएंगे, मैं इंतजार कर रहा था। क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन उस 12 साल की ना पिछड़े समाज की लड़की के साथ आप नहीं खड़े होंगे। अब आपका पीडीए का नारा पता नहीं कहां चला गया। बोलो, मैं शांत रहूंगा। चलाओ एजेंडा, मैं कोई एजेंडा नहीं चला रहा हूं। मैंने सिर्फ एक सीधा सवाल पूछा मनोज यादव जी कि जब आप लोग देर से ही आए तो दुरुस्त क्यों नहीं आए, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं। आप क्यों परेशान है? मैं परेशान हूं सर। राकेश त्रिपाठी बैठे हैं कि नहीं बैठे? नहीं, मैं अभी अभी उनके पास भी जाऊंगा। मेरा उत्तर राकेश त्रिपाठी के पास भी जाऊंगा, और उनसे भी सवाल इतने ही तीखे होंगे, आप यकीन करिए, उनसे भी सवाल इतना ही तीखा करूंगा, और उनको हो सकता है कि दिक्कत हो जाए मेरे सवालों से। देखिए राकेश पांडे जी, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। बोलिए सर, बोलिए। पूरे देश की मीडिया के समाजवादी पार्टी पे हैं, और अगर आप मुझे अपनी बात कहने का मौका नहीं देंगे तो मैं बिल्कुल नहीं इस बात से सहमत। नहीं नहीं बोलिए सर, मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी किसी भी अपराधी बलात्कारी का समर्थन नहीं करती। अगर वो दोषी है और उनपे जांच चल रही है, पुलिस केस हुआ है, उनका मकान गिराया जा रहा है, उनका व्यावसायिक प्रतिष्ठान गिराया जा रहा है, समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन करने जा रही क्या? हम रोक रहे हैं क्या? आप जो करना चाहते हैं जायज नाजायज वो आप करिए, हम सिर्फ न्याय की बात करें। नाजायज हो गया, न्याय हुआ तो बताओ, ये नाजायज हो गया, उसका घर गिरा, नाजायज गिरा है। तरीके का ऐसा मैटर है? नहीं मनोज यादव जी, उसका घर गिरा बुलडोजर से तो नाजायज तरीके से गिरा है। मैं कह रहा हूं नाजायज, जो गिराना है गिराए, सरकार के हक में है। क्यों नाजायज घुसा रहे हैं भाई? इतने लोगों क्यों डीएनए टेस्ट की बात घुसा रहे हैं? मैं कह रहा हूं क्यों नाजायज इतने लोगों का मकान गिरा? वाह ठीक, राकेश त्रिपाठी नाजायज गिराया गया। राकेश त्रिपाठी, मेरी दो बातें हैं। बनारस वाले लड़कों का गिरा था नाजायज? अरे रुक जाइए सर, आप बनारस जाएंगे, उन्नाव जाएंगे, सब जगह जाएंगे, हाथरस जाएंगे, क्या नहीं जाएंगे? अब रुकिए, अब राकेश त्रिपाठी की बात है। राकेश त्रिपाठी की बारी है, ये दूसरा टर्म है ना, राकेश त्रिपाठी नहीं बर्दाश्त करेंगे। दो बातें हैं, रुक जाइए सर, याद रखिए, रुक जाइए सर, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 12 साल की एक बच्ची प्रेग्नेंट हो रही है, आप लोग पिछड़ों के हक की बात करते हैं, और वो पिछड़ों का हक पता नहीं कहां चला गया। चलिए सर एक मिनट रुक जाइए, राकेश त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि वो आखिरकार इस मजहब के वोट बैंक के आधार पर कैसे अपने पार्टी के नेता का विरोध करे, और इसीलिए अभी जो कह रहे थे मनोज यादव, अरे भाजपा के अघोषित प्रवक्ता मत बनो, टाइम बदलता रहता है। आपकी भी स्ट्रेटजी है अजय वर्मा, अभी आपकी बारी नहीं आई है सर, और ये बैकग्राउंड कमेंट्री और टैगिंग मत करिए सर प्लीज, और मत करिए, मतलब मत करिए, वरना पलट कर आपके पास आऊंगा तो आप जवाब देने की स्थिति में नहीं होंगे, ये यकीन मानिए। तो आपकी भी बारी आएगी, अभी इंतजार करिए, जवाब आपके पास ही नहीं है, तो इंतजार करिए अजय वर्मा प्लीज, आपके पास आऊंगा तो फिर आप बोलिए, मजबूरन मुझे कहना पड़ेगा आवाज डाउन करने के लिए, तो अभी रुक जाइए, अभी बीजेपी सपा के बीच डिबेट चल रही है, अपनी बारी का इंतजार करिए, रुक जाइए, सुधार के रखा करिए। अभी सिर्फ राकेश त्रिपाठी और मनोज यादव जी की आवाज होने आ रहे, अजय वर्मा की पार्टी भी
ये भी मुंह नहीं खोल पाए हैं, लेकिन मनोज यादव ने एक बड़ी रोचक बात आज बताई। मनोज यादव कह रहे हैं कि ये हमको प्रतिक्रिया व्यक्त करने में समय इसलिए ज्यादा लगा क्योंकि पार्टी के भीतर में इंक्वायरी कर रहे थे, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, यानी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा अब समाजवादी पार्टी के पास भी कोई इन्वेस्टिगेशन की एक नई विंग आ गई है, कोई नई पुलिस इन्होंने भी भर्ती कर ली है, वो पुलिस जो अवधेश प्रसाद को ये बता तक नहीं पा रही थी। अवधेश नहीं, राकेश त्रिपाठी जी, मेरा एक और सवाल है बड़ा, मंत्री हो चुका हूँ राकेश त्रिपाठी जी, एक मिनट, मेरा एक और सवाल है बड़ा, और सवाल ये है मनोज यादव जी, ये डीएनए टेस्ट की जो आपने मांग उठा दी, आप जताना क्या चाहते हैं? क्या मैं सीधे से ये ना पूछूं? मेरे दो सवाल हैं इससे। नंबर एक सवाल, सपा के शासन काल में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे कितने रेप केस की जांच डीएनए से हुई है? नंबर एक बात। नंबर दो का सवाल है, क्या डीएनए टेस्ट की बात करके आप उस नाबालिग पीड़िता के कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठा रहे? नहीं, देखिए एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, मुझे डिबेट में इस तरह के शब्द कहने का कोई मुझे मतलब मैं कह नहीं सकता, कोई अदालत नहीं है, ये जनता की अदालत है और जनता की अदालत में बहुत सारे शब्दों का रिस्ट्रिक्शन है, जैसे वैसे जैसे लोकसभा के सदन में तमाम शब्दों का रिस्ट्रिक्शन रहता है। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, हमने किसी जांच को प्रभावित किया? हमने किसी जांच कराने से मना किया? और अगर हमने एक जांच की बात कही है तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर वो हमारी पार्टी का सदस्य है तो उसको भी बुलडोजर चलाओ, फांसी चढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बीजेपी के लोग हैं, अन्याय करने वाले लोग हैं, ये तिल का ताड़ बनाने वाले लोग हैं, एक दोषी को बचा के निर्दोष को फंसाने वाले लोग हैं। मैंने इसीलिए सवाल, मोहित खान निर्दोष है? बीएचयू की बहन के साथ मोहित खान निर्दोष है? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या मोहित खान दोषी था? क्या मोहित खान दोषी? मैं नहीं कह रहा, मैं कौन होता हूँ कहने वाला? नहीं बताइए ना सर, क्यों नहीं बताते? इंटरनल जांच करा ली, बताएंगे नहीं? मेरे कहने से निर्दोष होगा? इंटरनल जांच करा ली और बताएंगे नहीं? डीएनए टेस्ट किसका चाहते हैं? उसको फंसाने वाले का न्यायपालिका तय करेगी ना कौन दोषी कौन निर्दोष। आपने बता ही दिया निर्दोष को फंसाने वाले, आप अजय वर्मा जी से बात कर लीजिए फिर बोलूंगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मौजूदा सरकार नहीं, एक मिनट, आप बीच में कमेंट्री काहे कर रहे हैं भाई? आपको अपनी बात बोलिए 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 बोलिए, बात खत्म हो कर दीजिए मनोज जी, आपका टाइम ओवर। मैं सिंपल सी एक बात कह रहा हूं, जितने भी केसेस, जितने भी रेपिस्ट बीजेपी के नेता हुए हैं, क्या उनपे भाजपा के योगी आदित्यनाथ बुलडोजर? अरे मनोज यादव जी भी गिरा पाए क्या? मनोज यादव जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं है, तो मैंने पूछा था आपके शासन काल में कितने रेप केस की जांच डीएनए से हुई है? खड़े होते हैं कितने रेप केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान डीएनए टेस्ट आप लोगों ने करवाया? मुझे डेटा दीजिए हमारे शासन को, कितने रेप केस की इन्वेस्टिगेशन में आप लोगों ने डीएनए टेस्ट करवाया? जी 10 साल होने वाले हमारे। नहीं सर, ये सवाल नहीं, वो 10 साल की बात नहीं है भाई। मनोज यादव जी, अब अवधेश जी, आप बताइए, एक पत्रकार के नाते रुक जाइए, रुक जाइए, इसके बाद राकेश जी आऊंगा, फिर अजय वर्मा आपके पास आऊंगा। पूर्व की सरकार, रुकिए सर, रुकिए। बीजेपी पर आपको सवाल उठाते रहिए, लेकिन किसी ने भी बीजेपी में उस कांड का समर्थन नहीं किया। बोलिए बोलिए मनोज यादव जी, बोलिए बोलिए। सारे मीडिया ने उसके खिलाफ बातें की थी, की थी। टाइम दीजिए, बोलिए ना, बोलिए, मैंने दे दिया टाइम सर आपको। एक लाइन और बोला, एक कह रहे हैं कि आप देश का गुस्सा इस समय उबाल पर है। बताओ एक मिनट, अवधेश कुमार जी रिलैक्स। आप तो रिलैक्स नहीं सर, दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं और आप एक बार रिलैक्स नहीं हुए हैं, आप चाह रहे हैं कि दूसरे चुप रहे, राकेश पांडे चुप रहे। मैं तो समझा आज आपका तेवर होगा, नरम होगा कि उस बच्ची के साथ अन्याय हुआ है, हम उसके साथ खड़े हैं। आपने एक बार नहीं बोला, हम यहाँ चिल्ला चौगड़ करने नहीं यार, आपने मजबूर किया है, सुनिए, सुना गया है, अगर सुनना हो जी नहीं, आपको सुना गया है तो सुनिए। नहीं नहीं, आपको भी सुननी पड़ेगी, ऐसे डिबेट नहीं होता है। क्या सुना गया? इतने सवाल खड़े कर आप उस समय से डिबेट कर आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, लेकिन ये 30 सेकंड अपना प्रोपेगेंडा के लिए नहीं, उस 12 साल की बच्ची के लिए दे रहा हूं, उस पर बोलिए। मिस्टर राकेश पांडे, क्या मैं प्रोपेगेंडा इतनी देर से कर रहा हूं? सर प्रोपेगेंडा इसलिए कि मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला मनोज यादव जी, इस्तेमाल किया क्योंकि मेरे एक सवाल का जवाब नहीं मिला। मैंने पूछा मोहित खान पर एक्शन, कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा धमकी देने वालों पर एक्शन, मैं नाम बता रहा हूं जो एफआईआर हुई है। नगर पंचायत चेयरमैन है सपा का नेता मोहम्मद राशिद, सपा का नेता है जयसिंह राणा, उस पर आप लोगों ने कोई एक्शन लिया? कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा मोहित खान को आप निर्दोष बता रहे हैं? कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा डीएनए टेस्ट की मांग करके क्या लड़की के कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठा रहे आप? कोई जवाब नहीं।
तो ये प्रोपेगेंडा हुआ सर, जब सवाल का जवाब नहीं देंगे तो मैं फिर आपको 30 सेकंड अनइंटरप्टेड कोई बीच में नहीं आएगा, पीसीआर इंश्योर करिएगा, लेकिन 30 सेकंड सिर्फ 12 साल की बच्ची के लिए। आप लोग गला फाड़ के चिल्लाने पे लगे हो, 30 आप हमसे जवाब सुन लो। देखो ये चिन्नैया नंद की पार्टी नहीं है, मालिश बाजों की पार्टी नहीं है, ये रेपिस्टों का दल नहीं है, ये समाजवादी दल है। यहाँ जो दोषी वो दोषी, जो बरी वो बरी। तो वही समाजवादी पार्टी अब डीएनए टेस्ट की मांग कर रही है, तो वहीं योगी सरकार का बुलडोजर अब आरोपियों के ठिकानों पर गूंज रहा है। सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि इस गंभीर घटना के बाद बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठाना इसलिए जरूरी है, पीड़िता और आरोपी का नार्को टेस्ट कराना चाहिए, भाजपा के उन नेताओं का भी नार्को टेस्ट हो जो इस मामले को तूल दे रहे हैं। सपा नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने कहा बीएचयू में घटना हुई थी, भाजपा की आईटी सेल के लोगों ने बिटिया के साथ अपराध किया था, उसकी फोटो सीएम, डिप्टी सीएम और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ है। बीएचयू कांड के जितने बलात्कारी थे उसके घर पर बुलडोजर चला, उस समय भी तो योगी आदित्यनाथ ही सीएम थे, क्यों कार्रवाई नहीं हुई? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, में जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।